एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रवि कपूर के 34 वर्षों के सैन्य सेवा और 18 महीने एनसीसी के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर राजधानी लखनऊ के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि ब्रिगेडियर रवि कपूर का विदाई समारोह बहुत ही भव्य हो रहा। वहीं विदाई समारोह में उपस्थित सभी की आंखें नम थी। इसके अलावा विदाई समारोह कार्यक्रम में समस्त बटालियन के कमान अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एएनओ, सेना निरीक्षक, कैडेट और ग्रुप मुख्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं ब्रिगेडियर रवि कपूर का विदाई समारोह भारतीय सेना के रीति रिवाज के अनुसार किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया। उसके बाद एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ने उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया। ब्रिगेडियर रवि कपूर को सम्मान पूर्वक सुसज्जित जीप में बैठाया गया। भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार रस्ता द्वारा जीप को पुष्प वर्षा के साथ आगे बढ़ाते हुए थाना नारा लगाकर उनकी विदाई सम्पन्न की गई। भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार रस्ता द्वारा जीप को पुष्प वर्षा के साथ आगे बढ़ाते हुए और नारा लगाकर उनकी विदाई संपन्न की गई। ब्रिगेडियर रवि कपूर की आंखें नम हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने बहुत भारी मन से अपनी 3 दशकों की सेवा के आखिरी दिन सभी का आभार जताया और मौजूद लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना की। आज का कार्यक्रम ये, जैसा आप लोगों को मालूम है, मैं जो है ब्रिगेडियर रवि कपूर अपने 34 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त हो रहा हूँ आर्मी की ड्यूटी से। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आर्मी के माध्यम से, सेना के माध्यम से मुझे देश के विभिन्न भागों में सेवा करने का मौका मिला और देश की सेवा करने का मौका मिला है। और जहाँ जहाँ भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वैली में, जहाँ जहाँ भी हमने सेवा की है उसको बहुत सराहाया गया है। उसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, भारतीय सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेना है और मुझे गर्व है कि मुझे इस सेना में सर्विस करने का मौका मिला। यहाँ के जवान, और जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के ऊपर कोई भी आंच नहीं आ सकती है। दूसरी चीज, मेरा एक ऑल्सो सौभाग्य था कि मेरा जो आखिरी जो टेन्योर था ये एनसीसी के लखनऊ में ग्रुप कमांडर एनसीसी के पद पर मुझे काम करने का मौका मिला। और जैसा आप लोग को मालूम है कि एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो यूपी डायरेक्टरेट का जो एनसीसी का महकमा है वो देश का 1/10 है, बहुत बड़ा है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए यहाँ पे। सबसे पहला तो जो एनसीसी को जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया है, BBAU में, और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो लखनऊ इलेक्टिव सब्जेक्ट एनसीसी के में शामिल हो गया है। और बाकी स्कूल के बच्चों ने, लखनऊ ग्रुप के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा और शहीदों को शत-शत नमन, स्वच्छ भारत, पुनीत सागर अभियान, ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसको कि यहाँ की पब्लिक ने और यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सराहाया है। हम लोग का एक जो है 3 नेवल यूनिट का एक ट्रिप गया था कानपुर से इलाहाबाद तक मेरे कार्यकाल के दौरान, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गंगा के माध्यम से बच्चे अपनी नौकाओं के थ्रू ये इन्होंने एक इसको ऑर्गेनाइज किया था। हमारी एयरफोर्स, लखनऊ ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके और सबकी यूनिट है। हमारी एयरफोर्स यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसके दोनों विमान आज की डेट में फंक्शनल हैं और बच्चों को जो है फ्लाइंग की प्रैक्टिस दी जाती है। यहाँ बख्शी के तालाब में इनके जो है दोनों विमानों में हमारे जो है इंस्ट्रक्टर हैं प्रवीण तिवारी साहब, वो जो है बच्चों को फ्लाइंग की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।